रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज नॉट एग्जैक्ट। देखो हूँ की है कि अगर कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स नोट इक्वल होगी तो इसका मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किमें फाइंड करना, देखो फस्ट रूल है इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज अ होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दैन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई। देखो अपने होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है एक्स की फोर प्लस वाई की फोर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई की थ्री डी वाई इक्वल टू जीरो। पहला तो जो तुम कर लैम अपॉन कर लवाई कर लैन अपॉन कर लैक्स फाइंड करोगे नोट इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं तो अपना फर्स्ट रूल ये है कि अगर अपनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई लैन। देखो थोड़े को है एम की वैल्यू एन की वैल्यू। ठीक है, हूँ अपने एम जो आप फाइंड लिखा एक्स की फोर प्लस वाई की फोर तुम कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई फाइंड करो एक्स की फोर का डायरेक्ट तो जीरो हो जाएगा वाई की फोर का फोर वाई थ्री हो जाएगा एन थोड़ा की है माइनस एक्स इंटू वाई थ्री तुम कर लैन अपॉन कर्ल एक्स फाइंड किया एक्स का डायरेवेटिव वन हो जाएगा माइनस वाई क्यूब आ गया। देखो कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई नोट इक्वल है कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स से तो फस्ट रूल यह कहता है कि अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बनेगा वन बाय एम एक्स प्लस एन वाई। देखो होमोजीनियस हैगी एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर एक्स की पावर वन तो वाई की पावर थ्री भी वे यानी कि टू वेरीएबल है उन्होंने पावर या डिग्री किमें देखते हैं वन प्लस थ्री फोर। देखो सारिया की डिग्री की है सेम है तो इसका मतलब कि यही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बन जाएगा वन बाय एम इंटू एक्स करके प्लस एन इंटू वाई करके। जेड़ा थोड़ा फैक्टर होगा ना ठीक है उनकी तुम गिवन इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दोगे जो तुम गिवन इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दोगे ना थोड़ी जी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो की बन जूगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैन देखो दैन सोल्यूशन उवें फाइंड करना है एम का इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई एज अ कॉन्सटेंट प्लस एन का इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू वाई टर्म नोट कंटेनिंग एक्स इक्वल टू सी। देखो एग्जाम्पल देखो सोल्व एक्स फोर प्लस वाई फोर इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू जीरो एम एक्स दी फोर प्लस वाई दी फोर एन माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई। देखो एक्स की पावर फोर का डायरेटिव जीरो हो जाएगा वाई दी पावर फोर का डायरेटिव फोर वाई क्यूब कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स करोगे तो देखो एक्स का वन हो जाएगा वाई क्यूब तो कॉन्सटेंट ही एक्स का डायरेटिव वन करके थोड़े को बच गया माइनस वाई क्यूब कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई नोट इक्वल है कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स से इट मीन्स नोट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हुण तुसी देखो ये होमोजीनियस हैगे एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर एक्स की पावर वन वाई की पावर थ्री थ्री प्लस वन फोर। देखो सारे की डिग्री की है सेम। ठीक है, सारे की पावर की है सेम है तो इट मीनस इट इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन। तो थोनू कहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किमें फाइंड करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वास्ते इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाय एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, वन अपॉन एम देखो एम की वैल्यू गिवन ही है एक्स दी फोर प्लस वाई दी फोर एक्स दी फोर प्लस वाई दी फोर इंटू की करना एक्स प्लस एन वाई। देखो एन की वैल्यू कितनी है थोड़े को माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब उन्हें मल्टीप्लाई करनी है वाई में वन बाय मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स इंटू वाई की पावर फोर माइनस एक्स वाई की पावर फोर कैंसल आउट वन बाय एक्स की पावर फाइव बच गया थोड़े को। ठीक है, देखो वन बाय एक्स की पावर फाइव इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इन्हें मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि गिवन इक्वेशन है। ठीक है,
देखो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि गिवन इक्वेशन की एक्स की पावर 4 प्लस वाई दी पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय एक्स की पावर 5 दी। हूँ देखो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आ बन गई, यानी कि ए थोड़ा एम हो गया तो ए थोड़ा एन हो गया मल्टीप्लाई करने तो बाद। हूँ तुम चेक कर लो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, एम का डेरीवेटिव पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी। देखो 1 बाय एक्स का डेरीवेटिव जीरो हो जाएगा, वाई की पावर 4 का वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 5। देखो एन का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, ये एक्स की पावर 4 डिवाइड से है, ऊपर जाके पावर की बन जूगी नेगेटिव थी। कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स करोगे, देखो वाई तो कॉन्स्टेंट ही है, पावर अगे मल्टीप्लाई माइनस माइनस के जो प्लस, एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1 4 वाई क्यूब एक्स की पावर माइनस 5 किन इक्वल बन गया 4 वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 5। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, ठीक है, चेक हो गया ना, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हूँ तुम्हें सोल्यूशन फाइंड करना है, सेम देखो हम थोड़ा एम ए है, ठीक है, एन ए, ठीक है। सोल्यूशन की सी एम का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कॉन्सटेंट प्लस एन द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। देखो एम की बन गया सी थोड़ा 1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5। एम की जगह तो पुट कर दोगे, एन की है माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4। देखो मैं थोनू की कहगा एन विच की इतने तो एम की वैल्यू पुट कर दूंगी, इतने की कहगा टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, बट एन देखो सारी टर्म की है एक्स, यानी कि जी अपने को टर्म दिती हुई है माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 है। मैं थोड़ा की क्या सीखा इनका मतलब यही हो गया ना, वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 बाई एक्स की पावर 4। देखो आप पूरी टर्म जीरो कर दो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी कि एन वाली टर्म तो थोड़ी खत्म हो चुकी इधर, ठीक है। एम की वैल्यू पुट कर दो, देखो एम की वैल्यू की अपने कल 1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स, वाई नू की ट्रीट करना है कॉन्सटेंट, प्लस एन का थोड़ा की हो गया सी जीरो ही, ठीक है, इक्वल टू सी। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग एक्स, देखो वाई की पावर 4 का कॉन्सटेंट है, एक्स की पावर 5 डिवाइड है, ऊपर पावर जाके की बन जाती है नेगेटिव, जो इंटीग्रेशन करोगे प्लस वन इक्वल टू सी। देखो ये थोड़ा सारा जीरो बन गया सी ना, क्योंकि आपा टर्म नोट कंटेनिंग एक्स लैनी होंगी है, ठीक है ना, जिहड़ा अपना एन सी उहदे विच टर्म कंटेन कर रही सी एक्स, बट आपा की कह रहे हैं टर्म नोट कंटेनिंग एक्स, तो ये सारा की कर दोगे जीरो इक्वल टू सी। इधर इंटीग्रेशन करता इक्वल टू सी है गई है, तो ये थोड़ा सोल्यूशन हो गया।